मायके से वापस आई महिला को नहीं मिला घर पर प्रवेश गेट पर लगा ताला। पति करते जनपद न्यायालय में नौकरी, ससुर भी रह चुके रिटायर्ड स्टेनो। मौके पर पहुंची पीआरवी उच्च अधिकारियों को भी कराया गया अवगत। देर सायं तक गर्माता रहा मामला। फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र आर्य नगर में एक महिला अपने ही घर के बाहर बैठे और उसके घर पर ताला पड़ा होने की सूचना पर जानकारी देते ही पीआरवी 112 पहुंची और अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। महिला का आरोप था कि रक्षाबंधन पर घर गई थी, कल लौट कर आई, कल से घर में प्रवेश नहीं दे रहे, इसलिए यहाँ बैठी है। बताते चले कि थाना उत्तर क्षेत्र आर्य नगर निवासी राहुल यादव को एड्रेस यादव बताया कि राहुल यादव जनपद न्यायालय में नौकरी करते हैं। उनके पिता एड्रेस यादव भी जनपद न्यायालय में स्टेनो के पद पर रह चुके हैं, जो कि रिटायर्ड है। जानकारी के मुताबिक राहुल यादव की पत्नी सोनम यादव रक्षाबंधन पर अपने भाई का घर गई थी, उसके बाद 25 अगस्त को लौट कर आई, जो बताया कि गेट पर ताला डाल दिया, अंदर नहीं जाने दिया। से 3 साल हो गए शादी को, कारण नहीं बताया, क्यों नहीं जाने दे रहे। साथ आए पीड़िता के भाई शिवम ने बताया, रक्षाबंधन पर मेरे साथ घर गई थी, वहाँ से जब हम वापस आए तो गेट बंद कर दिया, ताला लगा दिया, बोलते हैं कि घर में नहीं घुसने देंगे। हमने पुलिस को अवगत कराया तो सर ने बताया कि आपका घर में अंदर जा सकते हैं, चाबी बनवानी। जब खुलने लगी तो ससुर आए तो ताला नहीं खुलने दिया। फिलहाल मामले को लेकर पीआरवी ने एसएचओ उत्तर दो उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया था। समाचार दिए जाने तक महिला अपने घर की गेट पर बैठी थी। घर के बाहर दरवाजे पे बैठी, क्या कारण है इतने दरवाजे पे बैठी, क्या कारण है? कब शादी हुई थी आपकी? 3.5 साल हो गए। तो पहली बार ऐसा हुआ कि इससे पहले भी एक बार तलाक दे चुके थे हम लोग, तलाक का मुकदमा इन लोगों ने हमारे खिलाफ डाल दिया था। मीडिएशन करवा के हम दोबारा यहाँ आए हैं, और फिर ये लोग, मैं अभी रक्षाबंधन पे घर गई, जब तक जब मैं यहाँ लौट के आई हूँ तो तब तक ये लोग यहाँ गेट पे आई, मैंने बोला मुझे चाबी दे दो, तो इन्होंने गेट में ही बोला और मुझे अंदर नहीं जाने दिया कि नहीं हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। तो क्या वजह है आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या नाम है आपके पति का और कौन सी जगह रहता है? किस जगह घर है आपका? यहाँ पे किस जगह है? यहाँ बैठी है ये कौन सी जगह है? क्या घटना हुई आपकी बहन के साथ जिसकी वजह से ये पिछले इतने टाइम से बाहर घर के बाहर बैठी, क्या बात है? भैया घटना तो बहुत पुरानी चल रही है, 3.5 साल पहले शादी हुई थी मेरी, तब से शुरुआत के 6-7 महीने सही चला इन लोगों का, उसके बाद इनकी लड़ाइयाँ चालू हो गई। जो इनके पति हैं मेरे जीजा जी, वो डेली रात में दारू पीके आते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ बात होती है तो चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं। उसके बाद अभी हम लोग का 2018 के जून के टाइम पे रक्षाबंधन पे ऐसे ही घर गई थी, उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, यहाँ से डाइवोर्स फाइल करा दिया अपनी तरफ से एक तरफा, और वो डाइवोर्स फाइल कराने के बाद हम लोग जब वापस यहाँ पे आए, हम लोग को पता नहीं था, हम लोग कोर्ट गए, वहाँ पे जब पता चला इसको घर पे ले गया तो उन्होंने उस टाइम पे घर में कुछ नहीं किया, हम लोगों ने मैनपुरी से केस किया, जो भी मीडिएशन था करके कैसे भी सुलह करके वही केस इन्होंने अभी दोबारा किया है, रक्षाबंधन पर लेके गए हैं। रक्षाबंधन के बाद जब लेके आया वापस, मैं ही लेके आया था खुद गाड़ी से, उसके बाद मैं यहाँ पे खड़ा था, ये ताला बंद था। ससुर जी से कहा इन्होंने कि ताला खुलवाइए, इन्होंने कहा कि वो लड़का तो घर पे है नहीं, कि वो वही खोलेगा ताला, जबकि घर के मालिक वही हैं, उन्हें खोलना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग तो पुलिस को कॉल किया हमने, हम लोग को हो गया टाइम, बैठे हुए हम लोग टाइम पर पुलिस को कॉल किया, पुलिस ने कहा रिपोर्ट कराओ, रिपोर्ट करा के उन्होंने बोला कि आप जाओ घर का ताला तोड़ के दे। एक बार कोशिश की तो उन्होंने धक्का मार के यहाँ से भगा दिया इनके ससुर ने, और इनके हाथ पे भी इन्होंने पत्थर मारा ससुर जी ने, जिस चोट आई थी इनको। फिर हमने रिपोर्ट कराई पुलिस में, उन्होंने बोला कि आप लड़के को कल लेके आइए, बात होगी, और अब आज लड़के को लेके गए हैं, बात हुई, उन्होंने बोला आप जा सकती हो, अभी भी हमें घुसने की वो अनुमति नहीं मिली। आखिर क्या कारण है बार बार इस तरीके के? कारण इनके पहले तो शराब है, उसके बाद इन्हें इनका एक लड़की का भी चक्कर होगा अपना, वो सोच रहे होंगे कि इनके जो पिताजी हैं वो भी तलाक कर चुके हैं पहले, तलाक के बाद सोच रहे हैं लड़के का भी तलाक करवा दें, दूसरी लड़की ले आएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक आध चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ चलती है। जी किस तरह की सूचना है और सूचना पर कैसे आए हैं और कहाँ की सूचना है? सर ये महिला संबंधी सूचना मिली थी, एक सोनम यादव, राहुल यादव,
गली नंबर 14 आर्यनगर। तो ये लड़की यहाँ ब्याही है राहुल के लिए और बोगाम की रहने वाली है। शादी इसकी 3 वर्ष से हो गई, थोड़ा सा कासमी हो गई थी, पति ने गेट से बाहर निकाल के बैठा दिए और ताले लगा दिए। क्या इसकी सूचना आपके द्वारा कहीं उच्च अधिकारी को दी गई है क्या? मैंने कंट्रोल को, जिला कंट्रोल को बताया गया है, उच्च अधिकारी SHO को बताया, SHO उत्तर को बता दिया गया है, अधिकारी आ रहे हैं, इसका समाधान किया जाएगा।